वेलकम टू कैप्टन एक्शन फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैप्टन एग्रो। दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों को मिले हुए। कैसे हो यार आप सभी लोग? कोई गांव में पानी वानी तो नहीं पिला रहा? ऐसा लग रहा हो उसको कि एग्रीकल्चर के प्रैक्टिकल चल रहे हैं। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे जेट, ICAR, BHU, JRF एंड एग्रीकल्चर के अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम जैसे AFO, AO, JRF, इन सब में यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कुछ रोचक तथ्य। टॉपिक का नाम क्या है? कुछ रोचक तथ्य। इस रोचक तथ्यों में कौन कौन से रोचक तत्वों की हम बात करने वाले हैं? हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो फसल्स हैं, जो क्रॉप्स हैं, इनके अन्य नाम, ठीक है। जैसे किसी को फलों का राजा कहा जाता है, क्यून ऑफ किंग, क्यून ऑफ सीरियल्स कहा जाता है, क्यून ऑफ ऑयल सीड क्रॉप्स कहा जाता है, तो ऐसे हमारे कुछ रोचक तथ्य हैं। इन तथ्यों के बारे में आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे। तो यारों, आप सबसे मैं कहना चाहूँगा कि आज से आपको 11th, 12th एंड जो अदर एग्जाम है इन सब की वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। आप सब लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और पास वाला जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के लेक्चर आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आप मेरे फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर के लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बताता रहता हूँ। तो जानते हैं हम कुछ रोचक तथ्य। सबसे पहले हम बात करते हैं फलों का राजा किसको कहा जाता है, किंग ऑफ फ्रूट्स। किंग ऑफ फ्रूट्स काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को याद होगा, लेकिन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको याद नहीं होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक हम समझने वाले हैं। तो किंग ऑफ फ्रूट्स या फलों का राजा कहा जाता है मैंगो को। किसको कहा जाता है? मैंगो। इसका बोटानिकल जो नेम होता है वो होता है मेंजीफेरा इंडिका। क्या हो जाता है? मेंजीफेरा इंडिका। जो मैंगो है, जो आम है, इसको बाथरूम फ्रूट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाथरूम फ्रूट। और प्यारे बच्चों, इसको नेशनल फ्रूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल फ्रूट। तो आपको याद रखना है इसके तीन नाम हैं। तीन नाम कौन कौन से हैं? एक तो इसको किंग ऑफ फ्रूट बोला जाता है, मतलब सभी फलों में फलों का राजा किसको कहा जाता है? आम को कहा जाता है। और नेशनल फ्रूट, राष्ट्रीय जो फल है हमारा, वो भी क्या है? आम है। एंड बाथरूम फ्रूट के नाम से किसको जाना जाता है? बाथरूम फल के नाम से भी आम को जाना जाता है। इसका बोटानिकल नेम होता है मेंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट हम बात करें फलों की रानी, क्वीन ऑफ फ्रूट्स, फलों की रानी, फलों की रानी। तो प्यारे बच्चों, फलों की रानी कहा जाता है लीची को। किसको कहा जाता है? लीची को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास यहाँ से, मसालों की रानी किसको कहा जाता है? मसालों की रानी, मसालों की रानी, मसालों की रानी कहा जाता है इलायची को। किसको कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, दलहनों का राजा किसका? दलहनों का, दलहनों का राजा, दलहनों का राजा कहा जाता है चना को। किसको कहा जाता है? चना को कहा जाता है। चना जो है इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ग्राम बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें दलहनों की रानी, तो प्यारे बच्चों दलहनों की रानी कहा जाता है मटर को। किसको कहा जाता है? मटर को कहा जाता है। दलहनों की रानी, मटर, मटर को हम इंग्लिश में पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी। जो मेंडल भाई साहब थे आपके, उन्होंने इसी के ऊपर, मतलब गार्डन पी थी उसके ऊपर सारे के सारे प्रैक्टिकल किए थे। तो जो मटर है इसके अगर हम बात करें बोटनिकल नेम की, तो इसका बोटनिकल नेम होता है पाइसम सेटाइवम। क्या होता है? पाइसम सेटाइवम इसका क्या है? बोटनिकल नेम है। नेक्स्ट हम यहाँ से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है कि जो मटर है, जो पी है, इसके अंदर सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सब्जियों का राजा, कि सब्जियों का राजा किसको कहा जाता है? सब्जियों का राजा, किंग ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों का राजा। प्यारे बच्चों, सब्जियों का राजा कहा जाता है बैंगन को। किसको कहा जाता है? ब्रिंजल को कहा जाता है। और ब्रिंजल का बोटनिकल नेम है मेलियोनजाना स्पीसीज। क्या है? सोलेनम मेलियोनजाना, सॉरी, सोलेनम मेलियोनजाना इसका क्या है? बोटनिकल नेम है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सोलेनम मेलियोनजाना, मेलियोनजाना, ठीक है, मेले में जाना नहीं, मेलियोनजाना। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट आता है हमारे पास सब्जियों की रानी, कि सब्जियों की रानी किसको कहा जाता है? तो जो सब अधिकतर लोगों की जो फेवरेट होती है सब्जी, उसी को सब्जियों की रानी कहा जाता है, लेडी फिंगर को। किसको? सब्जियों की रानी, सब्जियों की रानी कहा जाता है। किसको? भिंडी को कहा जाता है। और इसको ओकरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओकरा या लेडी फिंगर। इसका बोटानिकल नेम होता है एब्लामोस्कस एस्कुलेंटस। क्या होता है प्यारे बच्चों? एब्लामोस्कस, एब्लामोस्कस एस्कुलेंटस, एस्कुलेंटस।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, वनों का राजा किसको कहा जाता है, किंग ऑफ फॉरेस्ट। तो वनों का राजा कहा जाता है टीक को, किसको कहा जाता है टीक को, वनों का राजा बोलते हैं टीक को, किंग ऑफ फॉरेस्ट। हम बात करें अगला क्वेश्चन, नशा की रानी, नशों की रानी है, जो नशा होता है ना, जो नशा आप करते हो ठीक है, शराब और आप पी के, तो ऐसे नशों की रानी किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है चाय को, किसको कहा जाता है टीक को कहा जाता है, नशों की रानी किसको बोला जाता है प्यारे बच्चों, टी को बोला जाता है, चाय को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपका, कंदीय फूलों की रानी, कंदीय फूलों की रानी किसको बोला जाता है, ग्लेडियोलस, कंदीय फूलों की रानी कौन है, ग्लेडियोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास यहाँ पे, सहकारी मांस किसको बोला जाता है, सहकारी मांस, मांस भी है लेकिन सहकारी है, सहकारी मांस बोला जाता है सोयाबीन को, किसको बोला जाता है सोयाबीन, और सोयाबीन का बोटनिकल नेम क्या होता है, ग्लाइसिन मिक्स, क्या होता है प्यारे बच्चों, ग्लाइसिन मिक्स। जो सोयाबीन है सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश में होता है, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, सबसे पुराना फल कौन सा है, मतलब बिल्कुल एनिशियंट फ्रूट, मतलब बहुत प्राचीन फ्रूट कौन सा है, तो फ्रेंड्स वो है खजूर, सबसे पुराना फल खजूर, कौन है खजूर, सबसे पुराना फल माना गया है, ग्रंथों में भी इसके बारे में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास यहाँ पे, गरीबों का मेवा किसको कहा जाता है, किसका, गरीबों का मेवा प्यारे बच्चों, गरीबों का मेवा कहा जाता है बेर को, किसको बोला जाता है, बेर को बोला जाता है, बेर का बोटनिकल नाम है जुजिफस जुजबे, क्या है, जुजिफस जुजबे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास यहाँ पे, दूध की रानी किसको बोला जाता है, क्यून ऑफ मिल्क या दूध की रानी, तो दूध की रानी किसको बोला जाता है, बकरी को बोला जाता है, गोट को बोला जाता है, गोट। अब यहाँ से आपको पता होगा कि जो गोट को तो बोला ही जाता है, लेकिन गोट के अंदर भी कौन सी ब्रीड को बोला जाता है, तो सानेन को बोला जाता है, किसको बोला जाता है, सानेन। सानेन एक क्या है, बकरी की नस्ल है, इसको क्या बोला जाता है, क्यून ऑफ मिल्क या दूध की रानी बोला जाता है। और जो बकरी है, बकरी इसको चलता फिरता रेगिस्तान का फ्रीज भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज। क्यों बोला जाता है इसको चलता फिरता फ्रीज, इसका रीजन है, जैसे फ्रीज में से हम कभी भी दूध निकाल के चाय वगैरह बना सकते हैं, फ्रीज क्या है, कभी भी मतलब आप उसमें से दूध निकाल सकते हो, हम पहले से स्टोर करके उसमें रखते हैं। सेम वैसी ही कंडीशन यहाँ पे होती है कि जो बकरी होती है, इससे आप 24 घंटे के अंदर कभी भी दूध निकाल सकते हो कहीं पर भी, ताकि आप उसको काम में ले सको, रात के 12 बजे, दिन के 12 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जब आपकी इच्छा हो। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज भी बोला गया है। और जो गोट है, इसको गरीबों की गाय भी कहा जाता है, नोट कर लेना क्वेश्चन, गरीबों की गाय किसको बोला जाता है, गोट को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि क्या हुआ भाई, हमारा, हम देखें पुराने समय की बात करें, कुछ आज से 10 20 30 साल पहले की, तो सभी लोग गाय पालते थे, लेकिन आजकल क्या हुआ, जैसे नई ब्रीड आने लगी इंडिया के अंदर, तो सभी लोगों ने नई ब्रीडों को लेना स्टार्ट कर दिया, और जो देसी काउ थी उन सबको रोड पे छोड़ दिया, जो सिटी के अंदर आके थैलियां वगैरह खाती है। अब जो आजकल की जो नई ब्रीड आ रही है, जितनी भी, जैसे हम बात करें जर्सी साहिवाल वगैरह, ये सब कुछ बहुत महंगी होती है, एक एक 1.5-1.5 लाख रुपए की ब्रीड होती है। तो जो हमारे स्मॉल फार्मर है, जो गरीब किसान है वो इतनी महंगी काउ नहीं खरीद सकते, तो क्या करते हैं, बकरियां खरीद लेते हैं। इसीलिए इसको संज्ञा दी गई है गरीबों की गाय की, किसकी, गरीबों की गाय की, इसको संज्ञा दी गई है। यहाँ पे अकाल भंडार किसको कहा जाता है, अकाल का भंडार, कहने का मतलब है अकाल में भी जो आपके काम आ जाए, तो अकाल का भंडार कहा गया है बाजरा को, किसको बोला गया है, अकाल का भंडार बोला गया है बाजरा को, बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास यहां से, ऊंट की फसल किसको बोला गया है, ऊंट की फसल, तो प्यारे बच्चों ऊंट की फसल बोला गया है शरबत को, किसको बोला गया है, शरबत को। ये कुछ रोचक तथ्य हैं, बिल्कुल रोचक, जो आपको एक तरीके से चौंका देने वाले तथ्य है। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे, तिलहन की रानी, क्यून ऑफ ऑयल सीड क्रॉप्स, किसको बोला गया है, सेसेमम या फिर तिल, सेसेमम इंडिकम इसका क्या है, बोटनिकल नेम है, और एक तिलहनी फसल है।
नेक्स्ट, जब तिलहनी मतलब तिलहन की रानी है तो तिलहन का राजा भी है। तिलहन का राजा मतलब कहने का मतलब है किंग ऑफ ऑल सीड क्रॉप्स, किंग ऑफ ऑयल सीड क्रॉप्स। ये बोला गया है मस्टर्ड को, सरसों को, किसको बोला गया है? सरसों। इसका बोटानिकल नेम क्या होता है? ब्रेसिका स्पीसीज। क्या होता है? ब्रेसिका स्पीसीज। तो हमारे कुछ चौंका देने वाले रोचक तथ्य थे, और कई बार जेट के पेपर में ऐसे रोचक तथ्य पूछ लिए जाते हैं, तो आप सभी लोगों को इन रोचक तथ्यों को याद कर लेना है। बड़े मजे से आपको याद हो जाएंगे, राजा कौन है, रानी कौन है, बस यही तो आपको याद करना है। शाकाहारी मांस कौन है? सोयाबीन है। शाकाहारी मांस क्यों बोला जाता है सोयाबीन को? सोयाबीन की मुंगड़ी बनती है, आपने सुना होगा, और मुंगड़ी की सब्जी बनाते हैं तो सेम मीट के जैसी दिखाई देती है। मीट मांस आप लोगों ने खाया होगा। यहाँ मीट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जो आपके एनिमल हस्बैंड है, उसके अंदर जो फार्मर एनिमल्स को पालता है, कौन-कौन से एनिमल्स को पालता है, आप सबको पता होगा, आप एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हो। एक तो पालता है किसको? भैंस को पालता है, गाय को पालता है, बकरी को पालता है, एंड शिप को पालता है, मतलब भेड़ को पालता है, मुर्गी को पालता है। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको कौन पालता है? फार्मर पालता है। अब जो भैंस है, अगर हम बात करें इसके जूलॉजिकल नेम की, तो भैंस का जो जूलॉजिकल नेम है वह है बुबेलिस बुबेलिस। क्या है? बुबेलिस बुबेलिस, लिखोगे यहां पर बुबेलिस बुबेलिस, ये इसका क्या है? जूलॉजिकल नेम है। और इन चारों की फैमिली जो है, जैसे क्रॉप की फैमिली होती है ना, कि गेहूं कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? ग्रेमिनी। ऐसे जो हमारे एनिमल्स हैं, ये क्या करते हैं? इनकी भी फैमिली होती है। तो इन चारों पशुओं की जो फैमिली है वो कौन सी है? बोवेडी है। कौन सी है? बोवेडी। तो यहाँ पे मैं आपको इसके कुछ इफेक्ट बताने वाला हूँ। जैसे भैंस को क्या बोला जाता है? बुबेलिस बुबेलिस बोला जाता है। इसका क्या है? जूलॉजिकल नेम है। जैसे फसलों का बोटनिकल नेम होता है, फसलों का बोटनिकल नेम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो वनस्पति है, वनस्पति है, इसलिए वनस्पतिक नाम बोला गया है। यहाँ पे जूलॉजिकल नेम मतलब जितने भी एनिमल्स होते हैं हम उसको जूलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, इसलिए इनका जूलॉजिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम आप बोल सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें काउ की, तो काउ का जो जूलॉजिकल नेम होता है, काउ के दो जूलॉजिकल नेम होते हैं। कितने? दो जूलॉजिकल नेम होते हैं। कैसे होते हैं? एक तो होती है कुबड़ वाली काउ। कौन सी? कुबड़ वाली गाय। कुबड़ वाली गाय मतलब जो इंडिया में पाई जाती है, देसी गाय। तो इसका होता है बोस इंडिकस। क्या होता है? बोस इंडिकस। नेक्स्ट आती है बिना कुबड़ वाली गाय, जो विदेशी काउ है जिसमें हम्प्ड नहीं पाया जाता, विदाउट कुबड़, विदाउट हम्प, मतलब जिसमें कुबड़ नहीं पाया जाता, उसका है बोस टोरस। क्या है? बोस टोरस है। तो दो जूलॉजिकल नेम है यहाँ पे गाय के, एक तो है बोस इंडिकस, एक है बोस टोरस। आप याद रखना, ये कुछ क्वेश्चंस है जो कहीं एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बकरी, तो जो बकरी है, जो गोट है, इसका जूलॉजिकल नेम है केपरा हिरकस। क्या है प्यारे बच्चों? केपरा हिरकस इसका जूलॉजिकल नेम है। नेक्स्ट हम बात करें भेड़ की, सिप, सिप का है ओविस एरिस। क्या है? ओविस एरिस। नेक्स्ट आता है यहाँ पे मुर्गी, मुर्गी का है गेलस डोमेस्टिकस, गेलस डोमेस्टिकस। अब मुझे आप एक बात बताओ कि इनको पाला क्यों जाता है? क्या फार्मर पागल वागल है जो इनको पालता है? ऐसा कुछ नहीं है। फार्मर इसलिए पालता है ताकि उसको क्या मिल सके? मिल्क मिल सके। क्या मिल सके? मिल्क, बस मिल्क नहीं, और भी मिलता है उसको। क्या मिलता है? वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो मिलता है मिल्क के लिए पालता है, दूसरा जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं वो मीट के लिए भी पालते हैं। किसके लिए? मीट के लिए। ठीक है, तो दूध मिलता है, मांस मिलता है, प्लस इसके अलावा हमें क्या मिलता है? इसके अलावा हमें मिलता है खाद। क्या मिलता है? खाद मिलता है, ईंधन मिलता है। मतलब गाय भैंसों के बहुत सारे फायदे हैं, और एक तरीके से बायोडिग्रेडेबल है सारा का सारा। जैसे आप कोई गाय पालते हो तो गाय से आपको क्या क्या मिल रहा है? दूध मिल रहा है, उसका जो मूत्र है वो मिल रहा है, जिससे बहुत सारी औषधियाँ दवाइयाँ वगैरह बनाई जाती है। गोबर, गोबर से खाद बनाई जाती है, ईंधन के रूप में उसको काम में लिया जाता है, और मांस भी मिल रहा है। ठीक है, मीट भी आपको मिलता है। तो बहुत सारे अदर प्रोडक्ट जैसे घी, घी, छाछ, पनीर, दही, ये सब कुछ किससे बनते हैं? एनिमल हस्बेंड्री के सारे प्रोडक्ट हैं। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आप इनके लिख सकते हो। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मीट की। इन्हें सबका मीट जो होता है उनको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे हम बात करें भैंस, तो जो भैंस का मीट होता है उसको बोलते हैं बफन। क्या बोलते हैं? बफिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास यहाँ पे, गाय, जो गाय का मीट होता है उसको क्या बोलते हैं? गाय के मीट को बोलते हैं बीफ। क्या बोलते हैं? बीफ। नाम याद जरूर रखना। नेक्स्ट हम बात करें बकरी, नेक्स्ट हम बात करें बकरी की, बकरी के बकरी का जो मांस होता है, जो मीट होता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है चेवन। क्या बोला जाता है? चेवन बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करें सिप, सिप के मीट को क्या बोलते हैं? सिप के मीट को मटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मटन। नेक्स्ट हम बात करें मुर्गी, तो मुर्गी का जो मीट होता है उसको हम बोलते हैं चिकन। क्या बोलते हैं? चिकन बोलते हैं। तो आप याद रखना,
ये बहुत सारे क्वेश्चंस एनिमल हस्बेंड्री के हमारे बनते हैं। मैं एक आपके लिए महा क्लास लेकर आऊँगा एक एनिमल हस्बेंड्री की, जिसमें हम पूरा एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बिल्कुल अच्छे से जानेंगे। उसके बाहर एग्रीकल्चर का कोई सा भी एग्जाम हो जाए उसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन है जो उस महा क्लास के लिए वेट कर रहा है, उस महा क्लास को देखना चाहता है, ताकि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊँ। तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करना है एंड इस वीडियो को अधिक से अधिक एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट में शेयर करना है, और जो एंड इस वीडियो को अधिक से अधिक एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट में शेयर करना है। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना है, और पास में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करना है, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम बात करेंगे जेट के पेपर के बारे में। जेट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जेट की तैयारी हम यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके जेट के पेपर में पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कई सालों से बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्या पैटर्न होता है, कितने नंबर का एग्जाम होता है, कैसे हमें तैयारी करनी है, कैसे क्वेश्चन का आंसर देना है, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स आपको कैप्टन एग्रो चैनल पर मिलने वाले हैं। बस आप लोगों के सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। आप मुझे सपोर्ट करें, अधिक से अधिक चैनल को शेयर करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, प्लस जो मेरे अकाउंट्स हैं फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पेज, आप उनको जाकर फॉलो जरूर करें, क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर के लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बताता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान।